टू ऑल ऑफ यू ऑन वी प्लस यू अकेडमी। माय नेम इज आशीष गर्ग एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द आईएएस एग्जाम फ्रॉम द टॉपिक फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। दीज क्वेश्चंस यू कैन लर्न वेरी इजीली, आप इनको सोल्व बड़ी इजीली कर सकते हो एग्जाम के अंदर। यदि आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो आपको एक मिनट या 60 सेकेंड आपको लग सकता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको देखते ही बनते हैं जैसे ही आप रीड कर लेते हो। तो शुरू करते हैं फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इवन गेट में ये टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछते हैं अराउंड 2 to 3 इयर्स और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यदि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको बेसिक चीज़ें प्रेशर के बारे में पता होनी चाहिए जिससे आप यूजुअली क्वेश्चन बनते हैं। प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हैं, जैसे यदि हम डिफाइन करें टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन है फ्रॉम प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स। प्रेशर के बारे में और उसकी यूनिट से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन बनता है। यूनिट्स कैसे, जैसे हमें पता है इसकी यूनिट पास्कल है, किलो पास्कल है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बार है, टोर है, या फिर ये डिफाइन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल 1 मीटर हाइट ऑफ वाटर, 2 मीटर हाइट ऑफ वाटर, और इन अनदर फॉर्म ऑफ लिक्विड, फॉर एग्जाम्पल 180 mm आपका 760 mm ऑफ मर्करी होता है जो आप एटमीन सी लेवल मेजर करते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली 1 बार जो होता है वो आपका 10^5 पास्कल होता है, और 1 बार ही आपका या 180 mm आपका 1.01325 bar होता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या बनेगा, टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, टू अरेंज डिफरेंट यूनिट्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इसमें से। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो इसका मेजरमेंट से बनता है, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हम मेजर कैसे कर सकते हैं, जैसे मेजर आप यदि एट अ पॉइंट मेजर करते हो प्रेशर तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रहता है हमारे पास या इक्विपमेंट रहता है। जैसे ही आप प्रेशर मेजर करते हो डिफरेंस इन प्रेशर तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्विपमेंट रहता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर भी बोलते हैं जिसे हम प्रेशर मेजर करने के लिए। तो उस केस में क्या क्वेश्चन क्या बनता है, आपको इक्विपमेंट से नहीं पूछ के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इक्विपमेंट गिवन रहेगा। क्वेश्चन कैसे होगा ये, यदि ये सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है तो जैसे आपको ये एक कंटेनर दिया है जिसके अंदर लिक्विड फिल्ड है और ये यूट्यूब आपको इंक्लाइंड शेप में गिवन है इसके ऊपर। तो इस कंटेनर में यदि ये क्लोज्ड कंटेनर है और ये आपका एयर गैप है, तो यदि इसको मैं बोल दूं ए पॉइंट, दिस इज अवर ए पॉइंट, ये आपका कोई ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी समथिंग लाइक से 0.9 है, ये हाइट आपकी गिवन है से H1। सिमिलरली ये आपके पास मरकरी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है इसकी मरकरी की, दैट इज 13.6, और ये हाइट आपको गिवन है से H2, और ये भी हाइट आपको गिवन है जिसमें मरकरी की फील्ड है, दिस हाइट इज H3। तो आपको ये एंगल भी गिवन रहेगा, ये एंगल थीटा गिवन है। तो आपको बताना क्या होगा, इफ यू अप्लाई अ प्रेशर हेयर, इफ यू मेजर प्रेशर एट दिस पॉइंट, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यूज करते हो आप यहाँ पर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रेशर दैट इज मेजर्ड एट पॉइंट ए, आपको बताना होगा प्रेशर एट पॉइंट ए जो आपको मेजर करना है। ये थोड़ा इंक्लाइंड हो गया है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू बतानी होगी। तो एक एक काइंड ऑफ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास होता है, ये तो है हमारा डायरेक्ट कॉलम मैनोमीटर भी बोल दो, या फिर इसको सिंपली कॉलम से हम प्रेशर मेजरिंग की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया, अब हमारे पास होता है एक यूट्यूब मैनोमीटर।
यूट्यूब मैनोमीटर, तो ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर नहीं है, कोलम मैनोमीटर समझ लो। तो यूट्यूब मैनोमीटर में क्या होगा, ये आपको एक ऐसे यूट्यूब गिवन रहेगी जिसमें आपको लिक्विड फिल्ड रहेगा, देर इज सम लिक्विड फिल्ड अप टू दिस हाइट एंड हेयर अप टू दिस हाइट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव मर्करी, हेयर वी हैव सम ऑयल, और हेयर वी हैव सम से वॉटर, और इवन यहाँ पर आपको वॉटर मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑयल मिलेगा, क्योंकि आपका ऑयल लाइट होता है एज कम्पेयर टू वॉटर, तो ऑयल आपको सरफेस पे मिलेगा। तो आपको प्रेशर, अगेन प्रेशर मेजर करना होगा एट डिफरेंट पॉइंट, जैसे इस पॉइंट के ऊपर, तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है। या फिर सिंपल जो डिफरेंट, यदि अब इसी का दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो आपको अगेन एक कंटेनर गिवन रहेगा, दो कंटेनर आपको गिवन रहेंगे, आपको दो कंटेनर गिवन रहेंगे जो कनेक्टेड है एक ट्यूब से, एक ट्यूब से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कुछ फील्ड है लिक्विड, यहाँ पर भी कुछ लिक्विड फील्ड है, जिसकी डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी रो 2 है, ये आपका ब्रिज है यहाँ पे, ये बंद है, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है। तो आपको ये हाइट भी गिवन रही होगी h1, और ये हाइट भी गिवन रही होगी h2। तो आपको ये मान लीजिए कोई थर्ड लिक्विड है या कोई गैस है जिसकी डेंसिटी रो 3 है, तो आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना आना चाहिए, रिलेशनशिप बताना आना चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट डेंसिटीज और रिलेशन बिटवीन हाइट्स एंड डेंसिटीज, तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जनरल क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं इससे। फिर एक क्वेश्चन है यूट्यूब मैनोमीटर से, जैसे ये मान लीजिए अब इसमें आपने एडिशनली कोई लिक्विड फिल किया है, उस लिक्विड फिल करने के कारण जो डिफरेंस इन हाइट आएगा, जो डिफरेंस इन हाइट बनेगा, वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो डिफरेंस इन हाइट का आप मेन पर्पज कैसे करोगे, तो आपको प्रेशर इक्वेट करना आना चाहिए जिसके हद से आप निकाल पाओगे। फिर सिंपल कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो है आपके रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बैरोमीटर क्या मेजर करता है, गेज प्रेशर जैसे हम बात करें, या फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, जैसे यदि हम थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें, तो हमें रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए बिटवीन गेज प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बनता है इसमें, जो आपको सोल्व करना आना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द IAS एग्जाम फ्रॉम फ्लूइड मेजरमेंट। थैंक यू।